एक जिम ओनर को ये समझाने का तरीका होना चाहिए कि देखिए फ़ी तो आप देख रहे हैं कि मैं 6,000 रुपये ईयरली 7,000 रुपये ईयरली चार्ज कर रहा हूँ आपसे, पर डे का जो मैं आपसे ले रहा हूँ वो 14 से 15 रुपये ही ले रहा हूँ, बाकी आप ही पे खर्च हो रहे हैं। तो इतना फैसिलिटी देने के बाद एक कोई भी छोटा बिजनेस भी है इतना अर्न करना चाहता है क्योंकि वो आपको फैसिलिटी दे रहा है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो। समझाने का तरीका ये है कि अगर आप जब काउंसलिंग करते हो, जब आपके जिम में मेंबर्स आते हैं, आप काउंसलिंग करते हो और किसी ने सवाल पुट कर दिया कि 1,000 रुपीज़ ज़्यादा है सर, 700 कर लीजिए, 600 कर लीजिए, 800 कर लीजिए, तो फिर आप उनको समझा सकते हो कि देखिए आपको 1,000 इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैंने मंथ का बताया। अगर मैं पर डे का बताऊँ जिसमें मैं छुट्टियाँ तो काउंट भी नहीं कर रहा, जबकि छुट्टी में रेंट देना है उसको, छुट्टी के दिन भी रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स चार्जेज हैं वो भी छुट्टी के दिन देना है उसको, जो कंज्यूम करेगा बस उसका ही नहीं देना, तो उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो